अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बहुत मज़े में हूँ। और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ रही हूँ मैंगो शेक, जो बहुत ही मज़े का है, बाज़ार से भी ज़्यादा घर में बनाए बहुत इजी इसकी रेसिपी है। वैसे तो हम जो घर में बनाते हैं आम शेक बना रहे होते हैं मैंगो डाल के, चीनी और जो दूध है, लेकिन आज जो है मैं थोड़े से इंग्रेडिएंट्स चेंज कर रही हूँ। तो इसमें जो है मैंने मिल्क पैक लिया है, लस्सी का है, और मैंगो जो है मैंने एक बाउल में कट करके रख दिए थे, और जो है मेरे पास मिल्क पैक की क्रीम है, और मैंने बादाम जो है कट करके रख दिए थे, और चीनी तो ऑलमोस्ट होती है लेकिन मैंने 3 स्पून चीनी के लिए ज़्यादा चीनी नहीं यूज़ की है, और मैंने जो है फ्रेश हमारे पास जो दूध घर में बॉईल हो रहा होता है उसकी मलाई उतार के रख ली थी। अच्छा जी, सबसे पहले हम जो है जग में जो है अपने मैंगोज डाल देंगे और जो है क्रीम डाल देंगे। मिल्क पैक जो है फ्रीज़ हुआ हुआ है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, काफ़ी फ्रीज़ हुआ था जिसकी वजह से इसको मिल्क पैक ऊपर से कट करना पड़ गया। अच्छा जी, हमने क्रीम डाल दी थी जग में, और इसके बाद जो हमारे पास मिल्क पैक, यानी हमें दूध की जितनी भी ज़रूरत है मिल्क की, हम उतना ऐड करेंगे इसमें। मैंने मुझे जितनी ज़रूरत थी उतना किया मैंने ऐड, आप लोग को, आप लोग जिस हिसाब से बनाते हैं उस हिसाब से अपना दूध या मैंगो जो भी है ऐड कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो चीनी थी, जो 3 स्पून मैंने चीनी के लिए थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और जो मैंने मलाई ली थी वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। जो लोग ऐड नहीं करते हैं वो अब ऐड करना शुरू करते हैं, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा, बहुत यमी सा टेस्ट आ जाता है शेक में। आप लोग ज़रूर ऐड करके देखिएगा, ट्राई कीजिए इसको। अच्छा, हमने ब्लेंड किया, ब्लेंड, और ये हमारे पास रेडी हो गया है। अब हम इसकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। तो हमने प्रेजेंटेशन में सबसे पहले जो मेरे पास क्रीम थी उसको जो है मैंने अपना जो ग्लास है उसमें डाला है, जितने मुझे ज़रूरत थी मैंने उस हिसाब से डाला है। ये मैंने लेयर्स में नहीं बनाया है कि मैं लेयर्स दिखाऊंगी उसमें, या लेयर्स बनाया है जो मैंने जो है क्रीम डाल के उसमें, उसके ऊपर जो है मैं शेक डालूंगी, और थोड़ा ऊपर करके डालूंगी कि ये जो है हमारी क्रीम और जो शेक है ना वो थोड़ा सा मिक्सअप होता जाए, अलग सा ना आए। और एंड में आके मैं इसकी एक लाइट सी जो है मैंगो की लेयर दे दूंगी इसमें। जी, तो हम अब ये लेयर देने लगे हैं अपनी बहुत लाइट स्लो जग। आप जो है अपना हैंड यूज़ करेंगे डालते हुए कि ये सारा मिक्सअप ना हो जाए, एक लेयर सी बन जाए। इस तरह से आप पूरे बकायदा जो ग्लास है उसमें भी कर सकते हैं लेयर। अब जो है हम इसके ऊपर अपने बादाम जो क्रश हुए हुए थे हमारे वो डाल देंगे, और साइड में मैंगो के स्लाइसिस जो हैं वो रख देंगे हम साइड पर बिल्कुल, ठीक है। ये हमारा जो है एक क्लास की प्रेजेंटेशन जो है कंप्लीट हो गई है। अब हम सेकंड क्लास की तरफ चलते हैं। सेकंड क्लास में जो है हमने मैंगो शेक जो है डाल देना है, जितना डालना था उसके ऊपर स्लाइट सी क्रीम डालनी है बिल्कुल, और एक डिज़ाइनिंग के लिए हमने जो है एक मैंगो का जो पीस होता है उसको कट करके लगा दिया था, बाकी जो क्रश करके बादाम वगैरह डाल दिए थे, और साइड्स में जो है हमने मैंगो स्लाइस जो क्यूब्स होते हैं वो रख दिए थे। इनको हमने एक प्लेट में रखना है और खूब मजे से हमने जो अपने हमारे गेस्ट होते हैं उनको पेश करना है प्रेजेंटेशन के साथ। और यार, मैं तो खुद ही जो है ना मैंगो की बहुत दीवानी हूँ, और शेक्स की भी, आई लव दिस मैंगो। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना खूब सारा ख्याल रखेंगे, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करें कि आप लोग को ये चीज़ जो है कैसी लगी, या आप लोगों को कुछ बनवाना है या कुछ सीखना है तो मुझे प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि यार हमें ये बनाकर दिखाएं या ये कर दिखाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में फिर मैं वो आप लोगों को बताऊंगी। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।